हेलो व्यूअर्स, आपका टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिना तेल, घी या बटर के चना मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बनाएंगे चना मसाला, बिल्कुल इसी तरह ट्राई कीजिएगा, आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने एक लोहे का तवा लिया है जिसमें मैंने ऐड किया है एक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। हमें लाइट ब्राउन कलर चाहिए इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी छिड़का है मैंने ताकि हमें भूनने में आसानी हो। अब मेरा प्याज भून चुका है, मैंने इसे साइड में कर लिया है और मैं अभी यहाँ पर भूनूंगी नारियल। यहाँ पे मैंने आधा कप घिसा हुआ नारियल लिया है। अब ये भी लगभग कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अब सबको मिक्स कर लेंगे और एक साथ एक मिनट तक भून लेंगे। हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल तैयार है। बस कुछ सेकेंड्स के लिए इसे ठंडा कर लीजिए और फिर इसे ऐड कर दीजिए ग्राइंडर के जार में। यहाँ पे मैं कुछ मसाले डालूंगी जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर। यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच चना मसाला पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई कप पानी और इसे एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इस पेस्ट को फ्रीजर में भी स्टोर कर रख सकते हैं। मैंने एक कप काले चने ऑलरेडी सोक करके रख दिए थे पानी में रात भर के लिए और सुबह उसका पानी फेंक दिया है। फिर मैंने चने को ऐड किया है प्रेशर कुकर के अंदर। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा तैयार किया हुआ मसाला पेस्ट। फिर अब ग्राइंडर में थोड़ा जब पेस्ट चिपक गया था उसमें मैंने पानी ऐड किया है, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं नमक बराबर है कि नहीं। आप इसे प्रेशर कुक करेंगे एक विसल हाई फ्लेम पर और 10 मिनट लो फ्लेम पर। इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें। फिर हम इसे चेक करेंगे हमारा जो चना है वो पक गया है कि नहीं। हमारा चना बिल्कुल पक चुका है, देखिए कितना अच्छा रंग आया है इसमें। उसके बाद हम फिर से गैस को ऑन करेंगे और कुछ चने को हम मैश कर लेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत थिक और एकदम बढ़िया बने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी, इससे हमारे सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर मैं इसमें डालूंगी कुछ जिंजर जुलियंस, अदरक के लच्छे, कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स करेंगे हम, लगभग 1 मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पर। हमारी जो चना मसाले की सब्जी है बिना तेल के बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैंने ऊपर से गार्निश किया है अदरक के लच्छे के साथ और हरा धनिया के साथ। इसे मैं सर्व कर रही हूँ लच्छा पराठा के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं, इससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।